अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरा देश उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के यार्ड क्लब नर्मदा कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स के छात्रों द्वारा 101 मीटर की चित्रकला बनाकर लगाई गई है। साथ ही रंगों से रंगोली के रूप में राम मंदिर की चित्रकला बनाई गई है। मैडम, आज ये कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं, 22 तारीख की तैयारी की जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं सभी देश के लोगों को और क्या क्या आपने आज यहाँ बनाया है? श्री राम मंदिर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके लिए हमने एक हिंदू धर्म के लिए और हमारी तरफ से एक हमने प्रतिकृति बना रहे हैं जो राम मंदिर को प्रदर्शित कर रही है। देखिए, जो अभी चल रहा है माहौल इस समय चल रहा है तो सभी राममय हो रहे हैं, तो उसी के ऊपर हमारा भी कॉलेज है, नर्मदा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसी के लिए ही ये कॉलेज का जो हमने निर्माण किया हुआ है, संचालन किया हुआ है, और पूरे भोपाल में पहला ही फाइन आर्ट्स का कॉलेज है जिसके कुछ छात्र हैं जो बना रहे हैं। यहाँ पर हमने 101 फीट की माँ नर्मदा की एक पेंटिंग भी प्रदर्शित करी जो सिंगल कैनवास में बनी हुई है। इस माँ नर्मदा जीवनदायिनी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की, तो उसमें हमने जो है वो पूरी नदी को हमारे जितने पर्यटन स्थल हैं वहाँ से हमने उसको गुजरते हुए इसको बताया। तो यहाँ पर सब आप देख रहे होंगे, इसमें सभी पूरे भोपाल के भी और भोपाल के आसपास के पूरे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल से बनाए। इसमें आपने कई धर्मों को भी साथ ले लिया है, यहाँ मस्जिद भी देखने को मिल रही है, मंदिर भी हैं, सांची के बौद्ध स्तूप भी दिख रहे हैं, तो सभी धर्म को एक साथ लेकर चलना ही एक सच्चे हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है, तो सभी धर्मों को साथ लेकर चले। तो हमारे कला जो है वो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी चीज की मोहताज नहीं होती, कला अपने आप में कला होती है। ये जो चित्रकला बनाई है 101 फीट की, कितना समय लगा आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों को इसे बनाने? ये हमारी बनी थी करीब 1.5 महीना लगा था इसको बनाने जी। तो अब ये इसी ऐसी और भी लगेंगी लेग व्यू के आसपास या ये एक ही चित्रकला? नहीं, ये चित्रकला जो है ये कैनवास पे बनी हुई है जिसकी की लंबाई 101 फीट है, ये डिटेचेबल है, यहाँ से अभी हम हटा करके फिर इसको हम जहाँ भी कहीं होगा तो हम प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू।